नमस्कार मित्रों, सुबह के सेशन में आपका बहुत बहुत स्वागत है। और सुबह जैसे माना जाता है कि दो चार बातें काफ़ी आवश्यक है, या हम इसे यूँ कह सकते हैं कि कुछ ऐसी गतिविधियाँ हैं सुबह की जो पूरे दिन के लिए आवश्यक है या पूरे दिन को सकारात्मक रूप में बदल लेती हैं। और उन गतिविधियों में जिनकी चर्चा समय समय पर होती रही है, शांतचित्त रहना, ध्यानमग्न रहना, व्यायाम करना, पढ़ना, फिर पढ़ने के बाद उसको लिखना, क्योंकि माना जाता है कि जो भी चीज़ हम लिख देते हैं वो हमारे दिमाग में उसका एक छाप बन जाता है। और लिखना एक बहुत अच्छी आदत भी है, हालांकि आज के समय में कंप्यूटर के युग में हम कह सकते हैं कि लिखने की परंपरा धीरे धीरे लुप्त सी होती जा रही है। तो मित्रों, आज सुबह की सभा में हम लोग उन्हीं गतिविधियों में से एक गतिविधि, जिसे हम सकारात्मक बातों को पढ़ना चाहिए या कुछ ऐसी युक्तियों को पढ़ना चाहिए जो हमारे जीवन में या हमारे दिन के लिए आवश्यक हो। मित्रों, आज मैं अपना डायरी जो 30 जून 2016 को मैंने अपने डायरी में दर्ज किया, उन्हीं बातों में से कुछ आपके समक्ष रखने का प्रयास कर रहा हूँ और आशा भी कर रहा हूँ कि आप इसे पसंद करेंगे। मित्रों, कहा जाता है कि गलती करना सीखने की प्रक्रिया का ही एक अंग है, और हम जब गलती नहीं करते हैं तो ये भी माना जाता है कि हम कुछ नया नहीं कर रहे हैं, यानी हम उसी चाल में चल रहे हैं, उसी गति में चल रहे हैं जो पहले से लोग चलते आए हैं। और ये भी हम मानते हैं कि जब तक हम अपनी गति को नहीं बदलते, अपनी रास्ते को नहीं बदलते, अपने गतिविधियों को नहीं बदलते, तो इस जीवन में कुछ नया नहीं कर पाएंगे। और ये भी माना जाता है कि प्रत्येक मानव का जीवन एक नया होता है, क्योंकि धार्मिक मान्यताओं के अनुसार 80 जोनियों के बाद मानव का शरीर मिलता है, और मानव का शरीर सर्वोत्कृष्ट होता है। पृथ्वी पर जितने भी जीव हैं, जितने भी प्राणी हैं, उन सारे प्राणियों में मानव को सर्वोच्च माना जा गया है, क्योंकि मानव के पास सोचने समझने की शक्ति है, कुछ लिखने की शक्ति है, और जीवों के पास ये शक्ति नहीं है। मित्रों, चर्चा के क्रम में हम लोग गलती की बात कर रहे थे कि सचमुच में गलती क्या हमारे अवगुण है या एक प्रक्रिया है, सामान्य प्रक्रिया है। तो मित्रों, जितनी भी हमें पुस्तकें मिली हैं या जितने भी स्रोत मिले हैं, उन स्रोतों में मैं पढ़ा हूँ, तो ये बातें स्पष्ट हो जा रही हैं कि गलती करना कोई अपराध नहीं है, बल्कि गलती गलती होती है, और जानकर गलती करना अच्छी बात नहीं है। तो मित्रों, देखे कि गलती से संबंधित इस विश्व के बड़े बड़े लोग, महान लोग किस तरह के अपने विचार रखते हैं, और उन्हीं विचारों में हम जो विचार आपके सामने रखने जा रहा हूँ वो है अल्बर्ट आइंस्टाइन का, जीवन में सबसे बड़ी गलती इंसान ये करता है कि ज़्यादातर इस बात से डरता है कि कहीं कोई बहुत बड़ी गलती न हो जाए। ये बहुत बड़ी गलती है, गलती से डरना एक बड़ी गलती है। सही समय पर किया गया ब्लंडर गलत समय पर की गई होशियारी से ज़्यादा ताकतवर होता है। सचमुच में समय का
यहाँ पर महत्व है। और समय पर अगर किया गया कोई गलती भी हो जाए, ब्लंडर भी हो जाए, महागलती भी हो जाए, तो उसको बहुत बुरा नहीं माना जाता है, बल्कि गलत समय पर किया गया अगर सही काम करते हैं तो वो महत्वहीन है। और ये विचार रखने वाले केरोलिन केव्स हैं। असल में तो ब्लंडर वही है जिससे हम कुछ सीखते नहीं। जिस गलती से कुछ सीख लिया जाए तो फिर वह ब्लंडर नहीं। इस विचार को रखने वाले जान पावेल हैं। सचमुच में गलती एक प्रक्रिया है जिससे हम कुछ सीखते हैं और समझते हैं। अगर सीखते समझते नहीं हैं तो गलती फिर गलती ही है, और उस गलती से हम कोई अपने में लाभ नहीं प्राप्त कर सकते। तो गलती करना एक प्रक्रिया है, और उसे अगर हम लाभान्वित होते हैं तो फिर वो गलती गलती न रह जाती है। इस तरह से विचार हमारे महान लोगों का है। मित्रों, जिस इंसान ने जीवन में कभी कोई गलती नहीं की, उसने जीवन भर कभी कोई काम करने का प्रयास ही नहीं किया। ये भी विचार अल्बर्ट आइंस्टाइन का है। हम अगर सोचे कि हमने कोई गलती जीवन भर नहीं किया, तो ये समझ लीजिए कि ये हमारी बड़ाई ना है, बल्कि हम कुछ भी करने का प्रयास नहीं किया। और हम जानते हैं कि अल्बर्ट आइंस्टाइन बहुत बड़े वैज्ञानिक के साथ साथ एक आध्यात्मिक व्यक्ति थे। क्या इंसान भगवान की सबसे बड़ी गलती है, या ईश्वर की कल्पना इंसान की सबसे बड़ी गलती है? इंसान ने अपने गलतियों को अनुभव का नाम दिया है। सचमुच में गलती को हम दूसरे नाम से पुकारें, दूसरी संज्ञा दें, कि गलती क्या है? अनुभव है। और ये कथन है ऑस्कर वाइल्ड का। कुछ ब्लंडर्स हमें या महागलती हमें तोड़ देते हैं, और जितनी जल्दी उनसे हमें उबर जाना चाहिए, नए दिन की शुरुआत करनी चाहिए। कुछ ऐसी गलतियां हैं, कुछ ऐसे महागलती हैं जो हमको तोड़ देते हैं, लेकिन वहाँ पर होशियारी की बात है कि वैसी गलतियों को नज़रअंदाज कर और फिर नई दुनिया अपनी शुरू कर देनी चाहिए। यह कथन है ब्रूसली का। हर गलती माफ करने योग्य होती है अगर आप उन्हें स्वीकार कर लें। सचमुच में गलती हम जल्दी नहीं स्वीकार करते हैं। अगर गलती को स्वीकार कर लें तो वो गलती, चाहे कितनी भी बड़ी से बड़ी गलती क्यों न हो, वो माफ होने योग्य है। जो गलतियां करने के लिए तैयार रहते हैं वही प्रतापी बनते हैं। कुछ गलतियां आगे चलकर खुशी देती हैं। कार्ल एडवर्ड्स की बात वक्तव्य है। तो मित्रों, इन सारी युक्तियों को या इन सारे विचारों को देखने के बाद यही लगता है कि गलती करना कोई बहुत बड़ी अपराध नहीं है, बशर्ते कि गलती हो, जानकर गलती नहीं हो, और हम गलती को यथाशीघ्र सुधार लें। या हम दूसरे शब्दों में कह सकते हैं कि गलती का हम दूसरा नाम अगर दे दें कि गलती अनुभव है, तो सचमुच गलती हमारे लिए लाभदायक है। बहुत बहुत धन्यवाद मित्रों। मैं आशा करता हूँ कि आप इन युक्तियों को पसंद करेंगे, क्योंकि भिन्न भिन्न जगहों से इन युक्तियों को इकट्ठा किया गया है, और इन युक्तियों से हमें किसी न किसी रूप में प्रेरणा मिलती है। और हम मानते हैं कि प्रेरणा ही हमारे जीवन का ईंधन है। अगर हम प्रेरणा नहीं लें या प्रेरणा नहीं प्राप्त हो, तो समझ लीजिए कि जैसे इंजन के लिए तेल की कमी है या तेल नहीं है, उसी तरह हमारा जीवन नीरस हो जाएगा या ईंधन विहीन हो जाएगा। धन्यवाद मित्रों, बहुत बहुत धन्यवाद। सुबह के सेशन में आपका स्वागत है।